दोस्तों, अगर आप भी बहुत टाइम पहले IRCTC ट्रेन ऐप में अपना एक नया अकाउंट बनाए थे, लेकिन यहाँ पे जो है काफ़ी टाइम बीत चुका है और आप जो है अपना पासवर्ड भूल चुके हैं। आपको जो है यूजर आईडी पता है, लेकिन आप जो है अपना पासवर्ड भूल चुके हैं, क्योंकि पासवर्ड जो है हर कोई भूल जाता है। अगर आप भी भूल चुके हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप भूले हुए पासवर्ड को दोबारा से रिकवर कर सकते हैं, उसका पता लगा सकते हैं। लेकिन इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, अगर आप अपना यूजर आईडी भूल चुके हैं तो किस तरह से आप अपना यूजर आईडी को पता लगा सकते हैं। अगर आप भी अपना यूजर आईडी को भूल चुके हैं, आपको पता नहीं है, तो आप पिछले वीडियो को ज़रूर देखना। इस वीडियो का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन, वीडियो के एंड स्क्रीन में और आई बटन में तीनों तरफ मिल जाएंगे, तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम जानते हैं कि पासवर्ड को दोबारा से कैसे रिकवर कर सकते हैं। सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं नीतीश चौधरी एंड यू आर वॉचिंग टेक फैमिली। लेकिन यार, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर आप अभी तक हमारे टेक फैमिली परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो नीचे में दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन के क्लिक करें, और साथ ही साथ इस घंटी को भी क्लिक करके ऑल कर देनी है, ताकि टेक फैमिली परिवार पर जब भी कोई नई वीडियो आए तो इसका जो नोटिफिकेशन है आपके मोबाइल पे चले जाएँ और आप जो है इन सभी वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। तो यार जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, काफ़ी अच्छी अच्छी हॉट वीडियो आते रहते हैं, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो और घंटी भी बजा दो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट लॉसिंग एनी मोर टाइम। तो दोस्तों, इसके लिए जो है सबसे पहले हम IRCTC ट्रेन ऐप को ओपन करेंगे और इसमें जो है सबसे पहले जो जो हम बताएंगे वही आपको करना है। तो सबसे पहले जो हम ट्रेन टिकट्स पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जो है लोडिंग चलेगी थोड़ा सा, और उसके बाद जो है एक फॉर्म ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो है आपको फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शंस मिलेंगे। अगर आपको ईमेल भूल सॉरी यूजर आईडी भूल चुके हैं तो आप यूजर आईडी पे क्लिक करना, अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करना। तो चलिए हम क्लिक कर दिए फॉरगेट पासवर्ड पे। उसके बाद जो है आपको अपना यूजर आईडी डालो यहाँ पे। तो चलिए हम अपना यूजर आईडी यहाँ पे डाल देते हैं, और उसके बाद जो है इस कैप्चा को भी डाल देते हैं और हम नेक्स्ट करते हैं। तो ऊपर में देख सकते कि हमने अपना यूजर आईडी, और नीचे में देख सकते कि मैंने अपना कैप्चा को डाल दिए हैं। यहाँ पे आपको अच्छे से कैप्चा डालना है, जो बड़ा ABCD है सिर्फ आप उसे बड़ा लिखे, जो छोटा है उसे आप छोटा लिखे, सेम होना चाहिए। उसके बाद जो है आप नेक्स्ट पे क्लिक करना। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो है आपके नंबर पे एक OTP भेज दिए जाएंगे, और मतलब कि भेज दिए जाएंगे OTP या फिर ईमेल पे। लेकिन यहाँ पे आपको एक ऑप्शंस मिल जाएंगे नया अकाउंट बनाने का। तो यहाँ पे जो है आपको अपना नया अकाउंट बनाना है, मतलब कि नया पासवर्ड बनाना है। तो आप अपना पासवर्ड बनाएं, उसके बाद जो है कंफर्म करें। तो चलिए हम अपना नया पासवर्ड बना लेते हैं, आपको भी अपना नया पासवर्ड बना लेनी है। तो यहाँ पर हमने अपना नया पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड कर दिए, उसके बाद जो है आपको शो कर देनी है, दिखा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको दोबारा से कैप्चा को टाइप करना होगा। तो चलिए हम छोटा F है, छोटा T है, छोटा H है, छोटा E है, छोटा G है कर दें, उसके बाद हम सबमिट कर देंगे। तो जैसे आप सबमिट करोगे तो यहाँ पे जो है आपका जो अकाउंट है सक्सेसफुली बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो है आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP भेजेंगे सबसे पहले, जिसे आपको यहाँ पे कंफर्म करना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे नंबर पे अभी एक OTP आएंगे, यहाँ पे OTP तो नहीं आया अभी तक। तो सबसे पहले हम OTP नहीं आया, OTP के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा जिसे सबसे पहले डालना है, उसके बाद नया पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड और कैप्चा डाल के साइनअप करना है। तो अभी तक तो पासवर्ड नहीं आया, तो पासवर्ड आ जाएंगे, मतलब कि OTP आ जाएंगे। तो यहाँ पे अभी तक क्यों नहीं आया यार, जल्दी से आ जा, OTP आने में बस देरी है। उसके बाद जो है आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि OTP आ चुका है, और OTP जो है यहाँ पे कौन सा OTP है यार, हाँ 35 35 867 35 35 867 डाल दी। चलिए हो गए, और हम दोबारा से यार OTP यहाँ पे चेंज हो गया। तो चलिए हम डालते हैं अपना OTP यहाँ पे कैप्चा को, बड़ा N और R और T,
तो ये हमने डाल दी, सबमिट कर दी। तो दोबारा से यार नहीं हुआ लग रहा है, फिर से हम कैप्चा को डालेंगे, एफ टी और वाई। तो इस बार जो हो चुके हैं देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है दोबारा से हमें ओटीपी सेंड करेंगे, क्योंकि ये जो ओटीपी है दरअसल गलत हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो है कुछ से टाइम के लिए जो है आपको ओटीपी मिलते हैं जिसे आपको डालना होता है। तो यहाँ पे हमें फिर मिल चुके हैं और उसके बाद जो हम सबमिट कर देंगे। तो इस बार देख सकते हैं कि मेरा जो अकाउंट है और पासवर्ड है वो सक्सेसफुली हो चुके हैं। और ये जो मैं अपना मतलब कि नया पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दिया, वही मेरा पासवर्ड हो चुके हैं। जो आप डाले होंगे वो आपका पासवर्ड हो चुके होंगे। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहे होंगे। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। आपके मन में जो कोई भी प्यारा सा कमेंट हो वो देना ना भूलें। तो वीडियो के अंत में मैं आपको यही कहना चाहूँगा, अगर आप अभी तक हमारे टेक फैमिली परिवार से नहीं जुड़े हैं तो नीचे में दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और साथ ही साथ उस नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करके ऑन कर देना है। तो मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय। वंदे मातरम।